जिंद में आज उस वक्त लोग देखते रह गए जब अचानक शहर थाना पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाल दिया। बिना किसी वजह के रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च देख हर कोई हैरान था, क्योंकि अगले 7 दिनों तक इसी तरह से ये फ्लैग मार्च जिले के अलग अलग क्षेत्रों में निकाला जाएगा। जहां दरअसल रैपिड एक्शन फोर्स के इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य जिंद शहर के बारे में जानकारी लेना है, ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो हमें कोने कोने की जानकारियां हों। ये हमारा परिचय एक्सरसाइज फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज के तहत होता है। हमारा प्लान जिंद में एक हफ्ते का है, तो परिचय का मतलब ही फैमिलाइजेशन आप समझ रहे होंगे, इलाके की जानकारी। और जो आरएफ का ऑब्जेक्टिव है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो, हमें पहुंचना हो तो हम जानकारी होगी तो पहुंच पाएंगे, बस यही मकसद है। कितनी टुकड़ियां सर, कितने सैनिक हैं? ये हमारी एक प्लाटून होती है, तो प्लाटून में लगभग 60 जवान होते हैं, अधिकारी इसको लीड करता है, तो उतनी नफरी है। सर कौन कौन से वाहन का यूज़ किया गया? इसमें हमारे पास एक स्पेशलाइज वाहन होता है जिसको वज्रा बोलते हैं, वो भी रहता है, लेकिन उसको हम हमेशा लेके चलते हैं, जिसका कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में जाता है जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। आपको बता दें कि जिंद में कई संवेदनशील अति संवेदनशील इलाके हैं, जहां की जानकारियां लेने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने बकायदा फ्लैग मार्च निकाला है। हालांकि ये फ्लैग मार्च देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि इस फ्लैग मार्च में न केवल जवान मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इसे दंगा नियंत्रण वाहनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिंद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।